नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रंद्राला गुंडरा। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं नागमणी बोंगी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने टिप चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल हमारे चैनल पर 45 डेज तेलुगु स्पोकन क्लासेस चल रहे हैं और आज जिसका 16 डे है। तो अगर आपने प्रीवियस 15 डेज के क्लासेस नहीं देखे हो तो प्लीज चैनल पर जाए और उन्हें जरूर देखे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन 45 डेज क्लासेस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो प्लीज जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप करें और हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर सेंड करें। तो चलिए आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो तेलुगु सीखने का सफर है उसमें पहला सेंटेंस है मैं घर में हूँ। मैं घर में हूँ को तेलुगु में क्या कहेंगे? नेनु इंटिलो उन्नानु। हूँ उन्नानु, हूँ उन्नानु। मैं नेनु घर में। मैंने आपसे पहले भी प्रीवियस कुछ क्लास में बताया आपको कि घर को कहते हैं इल्लू, घर को कहेंगे इल्लू। पर जब भी घर यानी इल्लू के बाद कोई कारक चिन्ह, कारक चिन्ह तो आपको पता ही होगा क्या क्या होते हैं। तो जब भी कारक चिन्ह कोई भी लगता है ने पर से, तब मतलब घर जब इल्लू रहता है तो उसको इंटी बोलेंगे, इंटी लो। जैसे घर में आया है ना तो इंटी लो, क्योंकि मैं कारक चिन्ह है तो इंटी लो, इल्लू इंटी बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि घर को तो इल्लू कहते तो मैडम इंटी क्यों बोल रही है। जब भी कारक चिन्ह लगता है तो उसके बाद इल्लू को हम इंटी कहते हैं। ठीक है, मैं घर में हूँ नेनु इंटी लो उन्नानु। मैं घर में हूँ नेनु इंटी लो उन्नानु। यहाँ नु क्यों आया है आपको पता होगा अगर आप मेरे क्लासेस रेगुलर वॉच करते हैं, क्योंकि यहाँ नेनु है, नु है तो इसलिए उन्नानु। नेनु यानी सर्वनाम के लास्ट में नु अक्षर आया है इसलिए उन्नानु। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैं घर में नहीं हूँ, मैं घर में नहीं हूँ। जैसे किसी को बताना है कि मैं घर में नहीं हूँ तो उसको तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे, चलिए सीखते हैं। नेनु इंटिलो लेनु, सेम वैसे आया है ना। मैं नेनु घर में, इंटिलो हूं को कहेंगे उन्नानु, नहीं हूं को कहेंगे लेनु, नहीं हूं को कहेंगे लेनु। यहां पर भी आप लोग देखिए लास्ट में नु आया है, नहीं हूं लेनु हूं उन्नानु। याद रखिए हूं उन्नानु, नहीं हूं लेनु। ठीक है, मैं घर में हूं नेनु इंटिलो उन्नानु। मैं घर में नहीं हूं नेनु इंटिलो लेनु। मैं बाजार में हूं नेनु बाजार लो उन्नानु। मैं बाजार में नहीं हूं नेनु बाजार लो लेनु। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। द थर्ड वन इज हम हैदराबाद में हैं, हम हैदराबाद में हैं तो उसको किस प्रकार कहेंगे? हमको तेलुगु में कहते हैं मेमू। बता रही हूँ ना, अगर आप मेरे क्लासेस रेगुलर वॉच करते हैं तो आपको पता होगा हमको कहेंगे मेमू। हैदराबाद तो हैदराबाद ही होगा, मे को लो कहेंगे, याद रखिएगा मे लो, मे को कहेंगे लो। हम हैदराबाद में हैं, मेमू हैदराबाद लो उन्नामु। देखिए यहाँ पर उन्नानु आया था ना, तो यहाँ पे उन्नामु क्यों आया है? क्योंकि सर्वनाम का हमको कहते हैं मेमू, तो सर्वनाम का लास्ट अक्षर है मेमू, मू है ना, तो इसलिए उन्नामु। मैंने जो टेंस चार्ट आपको बना के दिया था, वीडियो प्रिपेयर करके दिया था, प्लीज उसे देखिए, ये सब आपके लिए उस समय आसान हो जाएगा। अगर आप कोई भी एक जैसे मैं के लिए सीख जाएंगे तो बाकी सारे सर्वनाम के साथ किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार संज्ञाओं के साथ, क्योंकि सर्वनाम और संज्ञा का दूसरा रूप ही सर्वनाम है। अगर मैं ही है तो वो अपने लिए हो रहा है, वह है तो वो किसी भी पर्सन के लिए हो रहा है, जैसे लड़के के लिए हो रहा है, वही लड़की के लिए शी, जैसे वह होता है आमे तो उसके लिए होगा। तो इसलिए अपने सर्वनाम का अगर टेंस चार्ट याद कर लिया तो आपके लिए बात करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए फोर्थ वन इज हम हैदराबाद में नहीं है, हम हैदराबाद में नहीं है। मेमु हैदराबाद लो लेमु, मेमु हैदराबाद लो लेमु। मैं नेनु हैदराबाद, हैदराबाद मैं लो उन्नामु है लेमु नहीं है। मेमू के लास्ट में मु है तो लेमु के लास्ट में भी मु आया है। ठीक है फ्रेंड्स, मेमू हैदराबाद लो लेमु। हम विशाखापट्टनम में है, मेमू विशाखापट्टनम लो उन्नामु, मेमू विशाखापट्टनम लो उन्नामु। हम विशाखापट्टनम में नहीं है, मेमू विशाखापट्टनम लो लेमु। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वन सीखते हैं। फिफ्थ वन इज आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस में हैं को किस प्रकार कहेंगे? मीरु ऑफिस लो उन्नारु, मीरु ऑफिस लो उन्नारु। मीरु आप ऑफिस, ऑफिस लो, मैं को कहेंगे लो है
उन्नारू है, उन्नारू। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैम आप कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते हैं, तो आजकल लोग बोलचाल में बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के यूज करेंगे। अगर मैं कहूंगी आप कार्यालय में हैं, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कुछ कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश वर्ड्स है वो हमारे डेली लाइफ में एकदम से मिक्सअप हो गए हैं, तो जिसके बिना हम लोग को शायद बात समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज करती हूँ, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरो ऑफिस लो उन्नारू, आप मेरो ऑफिस, ऑफिस में कहा ना मैंने, मेरे को तेलुगु में कहेंगे लो है उन्नारू। रू आया है क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरू रू आया है, आपको मेरू कहते हैं ना, तो लास्ट में रू आया है, तो इसीलिए उन्नारू, ठीक है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट वन इज आप ऑफिस में नहीं है, आप ऑफिस में नहीं है को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे? मेरू ऑफिस लो लेरू, मेरू ऑफिस लो लेरू, आप मेरू ऑफिस में, ऑफिस लो लेरू, नहीं है लेरू, क्योंकि मेरू में लास्ट में रू आया है, इसलिए लेरू के लास्ट में रू आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट वन इज वह खुश है, वह खुश है, तो वह को तेलुगु में कहते हैं अतड़ू, वह को कहेंगे अतड़ू। खुशी को कहते हैं संतोषम, खुशी को कहते हैं संतोषम, पर यहाँ खुश है, कोई पर्सन खुश है, तो इसीलिए संतोषंगा, खुश सा, जैसे गा जहां आएगा तो इसका मतलब सा खुश सा है, तेलुगु में उसी प्रकार कहते हैं। जैसे हिंदी में थोड़ा बोलने के लिए ऑकवर्ड हो जाएगा, पर तेलुगु में उसी प्रकार जैसे खुश सा है, ठीक है फ्रेंड्स। वह खुश है या खुश सा है, संतोषंगा उन्नाडू, उन्नाडू क्यों आया है? क्योंकि यहाँ अतड़ू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह वह के लिए, तो अब इसे राम हो गया, श्याम हो गया, कोई भी लड़के का नाम हो गया, तो उसके साथ से राम संतोषंगा उन्नाडू, श्याम संतोषंगा उन्नाडू। किसी पर्सन जो आपसे छोटा है, जैसे हम लोग जिसके बोलचाल में तुम के लिए जैसे उपयोग करेंगे जिस पर्सन के लिए, तो उसके लिए हम लोग उन्नाडू यूज करेंगे। यहाँ अतड़ू हटा देंगे, वहां पर्सन का नाम रख देंगे और उन्नाडू। ठीक उसी प्रकार आपके प्लेस में अगर किसी पर्सन का नाम है, जैसे पांडे जी ऑफिस में है, पांडे गारू ऑफिस लो उन्नारू। रोहित जी ऑफिस में है, रोहित गारू ऑफिस लो उन्नारू। इसलिए आपको सर्वनाम याद है, सेम उसी प्रकार संज्ञा के लिए भी आप वहां पर सर्वनाम को हटा के नाम पुट आउट करेंगे और लिख देंगे, ठीक है। द एथ वन इज वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है, अतड़ू संतोषंगा लेरू, अतड़ू संतोषंगा लेरू, वह अतड़ू खुश सा संतोषंगा नहीं है, लेडू, क्योंकि अतड़ू के लास्ट में डू है, इसलिए लेडू के लास्ट में डू आया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ तक क्लास समझ में आई है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद और 4 सेंटेंस सीखने बाकी है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। द नेक्स्ट वन इज वह स्कूल में है, वह स्कूल में है। हम लोग ये पुशअपली यूज नहीं कर रहे हैं, स्त्रीलिंग के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे हिंदी में तो वह हम लोग लड़कों के लिए लड़की के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं, पर तेलुगु में जिस प्रकार इंग्लिश में ही शी यूज होता है, तेलुगु में उसी प्रकार अतड़ू आमे कहते हैं। अतड़ू यानी पुल्लिंग में वह, और आमे यानी स्त्रीलिंग में वह, ठीक है। वह स्कूल में है, आमे स्कूल लो उन्दी। तो अभी आपको डाउट आएगा कि यहाँ तो आमे है सर्वनाम, तो उन्दी क्यों आया है? तो इसके लिए आपको एक बार टेंस चार्ट जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया है आप लोगों को कि टेंस चार्ट जो प्रिपेयर होता है तो आमे से नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं छोटी बच्चियों के लिए जैसे नहीं करते प्रॉपरली यूज, पर अदि का उपयोग होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर उन्दी आता है। तो बातचीत में अदि का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन टेंस चार्ट में उसी का उपयोग होता है, तो इसीलिए अदि के हिसाब से उन्दी होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, एक बार टेंस चार्ट वाला वीडियो जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दे दूंगी। वह आमे स्कूल में, स्कूल लो है उन्दी, है उन्दी, वह स्कूल में है, आमे स्कूल लो उन्दी। द टेंथ वन इज वह स्कूल में नहीं है, वह स्कूल में नहीं है, आमे स्कूल लो लेदू, आमे स्कूल लो लेदू। यहाँ उन्दी है यानी है, लेडीज के लिए, बच्चियों के लिए है, नहीं है लेदू, नहीं है लेदू। वह घर में है, आमे इंटलो उन्दी, वह घर में नहीं है, आमे इंटलो लेदू। वह बाजार में है, आमे बाजार लो उन्दी, वह बाजार में नहीं है, आमे बाजार लो लेदू, ठीक है फ्रेंड्स। द इलेवेंथ वन इज वे बाजार में है, वे बाजार में है, वो तेलुगु में कहेंगे वारु बाजार लो उन्नारू, वारु बाजार लो उन्नारू, वारु वे बाजार में, बाजार लो है उन्नारू। वारू के लास्ट में रू आया है, तो इसीलिए उन्नारू के लास्ट में रू आएगा, ठीक है। वे बाजार में है, वारू बाजार लो उन्नारू, ठीक। उसी प्रकार ये बाजार में, तो ये को कहते हैं वीरू, वीरू बाजार लो उन्नारू,
ठीक है फ्रेंड्स, मतलब दोनों के लिए सेम ही रहेगा, कि ऐसे नहीं कि वे के लिए अलग होगा और ये के लिए अलग होगा, क्योंकि उसके भी लास्ट में वीरू रू ही होता है तो उसमें भी उन्नारू ही आएगा। ठीक है, वे बाजार में नहीं है, वे बाजार में नहीं को तेलुगु में कहेंगे वारु बाजार लो लेरु, वारु बाजार लो लेरु, वे वारु बाजार में बाजार लो नहीं है लेरु, नहीं हो लेरु। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इन 45 डेज क्लासेस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप करें और हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है, मैं बाजार में हूँ, मैं बाजार में हूँ को तेलुगु में क्या कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बाजार में हूँ को तेलुगु में क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा, और क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।